एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ में आज जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाल ही में पीएम मोदी ने उपहार स्वरूप मिली भेंट के लिए पीएम मोमेंटो पोर्टल लॉन्च किया था। इस पर डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा के बाद अब हम सीएम उपहार पोर्टल शुरू कर रहे हैं। पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिले उपहारों की ऑक्शन करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष में ऑक्शन से मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल किया जाएगा। कल से ऑनलाइन ऑक्शन के लिए ये पोर्टल उपलब्ध हो जाएगा। इसके तहत लगभग 50 के करीब उपहारों की ऑक्शन करवाई जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अनूठी पहल करी थी और कुछ वर्ष पूर्व मुझे याद है 2018-19 में उन्होंने पीएम मोमेंटोस करके एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें जो उनको जो भेंटें जो मिलती हैं उन भेंटों को वो ऑक्शन पे उस पोर्टल के माध्यम से ऑक्शन किया गया। और जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उन्होंने बहुत दिल खोलकर उसमें भाग लिया। करोड़ों रुपए एकत्रित हुए और जो धनराशि एकत्रित हुई उसको एक पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया। और मुझे ऐसा ध्यान है नमामि गंगे के लिए उस धनराशि का उपयोग किया गया था। तो उसी तर्ज पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में भी विचार आया कि जो मोमेंटोज और भेंट उनको मिलती है जब वो जाते हैं कार्यक्रमों में, तो उनका भी सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि अक्सर वो वरना वो इधर उधर रखी जाती थी या किसी को दे दिया या कुछ हो गया, तो उसका सदुपयोग के लिए एक उसी से क्यू लेते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल शुरू करी थी, तो आज हम एक सीएम उपहार पोर्टल का लॉन्च करने जा रहे हैं। अगली खबर अब पलवल से है। पलवल में मिंडकोला गांव के पास केएमपी केजीपी और दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे इंटरचेंज पर पिछले 8 दिनों से लोग धरना दे रहे हैं। स्थानीय कट की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से धरना दे रहे लोगों के बीच देर रात एक व्यक्ति की ठंड की वजह से मौत हो गई। ग्रामीणों ने इस घटना के बाद आंदोलन को और तेज कर दिया है और मौके पर जमकर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही मृतक शख्स के परिवार को मुआवजे की मांग और नौकरी की भी मांग की गई है। धरने के दौरान ग्रामीण की मौत के बाद मृतक के परिवार के एक परिजन को नौकरी, शहीद का दर्जा और आर्थिक मदद दिए जाने की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन को लोगों ने अल्टीमेटम दिया है। ग्रामीणों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन करते हुए एक्सप्रेसवे के काम को रोकने की भी चेतावनी दी है और मौके पर जमकर बवाल किया है। आज हमारे धरने को लगातार 8वां दिन है और इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे जो 80 गांवों ने जो फैसला लिया है वो यही है कि हमें यहाँ उतार चढ़ाव चाहिए। जो केएमपी मुंबई वडोदरा हाईवे है और डीएनडी सारे रोड यहाँ गोल चक्कर में है, तो यहाँ से हमारा जो उतार चढ़ाव है वो हमें यहाँ से चाहिए। और हमारी जनता ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी ये हमारा धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। और उस पर जो हमारा ये राम खिलाड़ी आज शहीद हुआ है, हमारा साथी, ये दिन रात यहाँ हक्का में पानी में लगातार 7वें दिन से और 8वां दिन आज है लगातार यहाँ हमारी आप भगत में लगा हुआ था और हमारी सभी सरदारियों का यहाँ चाय के पानी के हक्का की व्यवस्था ये कर रहा था, दिन रात यही रहता। समूचे उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने के साथ साथ कोहरे का असर भी लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में तेज सर्दी पड़ रही है। लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो रहा है और सुबह के वक्त खासतौर से कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भी दिक्कत हो रही है। वहीं रोहतक और आसपास के इलाकों में भी कोहरे और कड़कड़ाती ठंड का पूरा असर नजर आ रहा है। रात में पारा 4 डिग्री तक पहुंच गया और सुबह का तापमान तो शिमला से भी कम रोहतक का दर्ज किया गया है। रोहतक और आसपास के क्षेत्रों में रात के समय बहुत ही ज्यादा कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। सुबह भी कोहरे की चादर छा जाने से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। कोहरा होने की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और ज्यादा ठंड से लोग अपने घरों में दुबक रहे हैं। कुछ लोग इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म ऊनी कपड़े भी पहन रहे हैं और बढ़ती सर्दी से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना हो रहा है। बहुत ज्यादा ये शिमला को भी फैल कर रहे आज तो बहुत ज्यादा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा धुंध में। बहुत मुश्किल से ड्यूटी पे आए हैं फिर भी काम करना पड़ता है पेट के लिए। बहुत ज्यादा ठंड भी है और धुंध भी है। इसका जनवरी में पहली बार ऐसा हुआ है जो इतनी ओस पड़ी है। पहले ज्यादा नहीं पड़ती थी, पहले कम होती थी, अब की बार ज्यादा हो रही है। पता नहीं किस चीज के लिए हो रही है। दिसंबर में नहीं हुई इतनी ठंड जितनी अब कर रहा है। जाते वक्त बहुत गहरा वो दिखा गया जोश। ठंड तो भाई घनी है, मतलब बेअंताज घनी है। गांव हो रहा है
और उधर अंबाला में भी कोहरे की वजह से लोगों को खासी परेशानियां हो रही है। ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। लगातार पड़ रही ठंड से अब दुकानदारों के काम पर भी असर हो रहा है। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जीव जंतुओं पर भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सर्दी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जिसकी वजह से दुकानदारों का काम मंदा होने लगा है। दुकानदारों का कहना है कि लोग सर्दी की वजह से घर से निकल नहीं रहे, जिसकी वजह से उनके कारोबार पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। ठंड बहुत पड़ रही है, आग का सहारा ले रहे हैं और बिल्ले बैठे हैं, काम काज कोई नहीं, ऐसे ही बस। हाँ जी, ठंड बहुत साल बाद मिली है। सर जी, ठंड तो बहुत हो रही है जी, अब ऐसे में ना तो काम होता है जी, बस आग का ही सहारा है जी। काफ़ी दिनों से बस ऐसे ही चल रहा है जी, ठंड बहुत है, बस काम धंधा तो है ही नहीं सर ठंड में। बस घर से आ जाते हैं, बस यहाँ आग उग जला के सेक के अपना शाम को चले जाते हैं जी। ठंड में ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है जी, ठंडे कारण सारे काम बंद पड़े, आग के सारे बैठे हैं जी, चार दिन आग के सारे नहीं जाता है हमारा। और यहाँ पर वक्त एक और ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद रुख हिमाचल प्रदेश का करेंगे, आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ।